नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, जो ये समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में फाइनेंशियल जो एक काम होता है फाइनेंस के रूप में अर्थव्यवस्था को देखते हुए, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज़ होने वाली है, जिससे कुछ चीज़ें तो अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें बहुत ही बुरी होने वाली हैं। दरअसल ऐसा समझ लीजिए कि किसी जब कोई बड़ा चीज़ होती है, बड़ा जब काम होता है, तो उससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो जब वो नुकसानदेह होंगी तो वो अपनी कहीं ना कहीं दिक्कत पेश करेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ भारत के साथ भी होने वाली है। दरअसल ब्रिक्स कंट्रीज़ की समझाता हूँ कि पूरी ये न्यूज है क्या, ब्रिक्स कंट्रीज़ का उसमें रोल क्या है, ब्रिक्स कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीज़ होने वाली है। दोस्तों, दरअसल ये खबर है, ब्रिक्स कंट्रीज़ अपनी वो एक करेंसी ले आए हैं और इसके बाद वो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब कि जिस व्यापार में डॉलर का यूज नहीं होगा, यूएस डॉलर का यूज़ नहीं होगा, उस ट्रांजेक्शन को डी डॉलराइजेशन वाली ट्रांजेक्शन बोलेंगे। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इनकी अपनी एक करेंसी भी है, लेकिन ये जो अभी शुरुआती तौर पे जो होने जा रहा है इसमें वो ब्रिक्स करेंसी यूज़ नहीं होगी, इसमें यूज होगी रसिया और चाइना की करेंसी। दोस्तों, दरअसल न्यूज ये है कि रसिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें दोनों देश मिलकर 260 बिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन करेंगे, एक दूसरे से सामान को खरीदेंगे और सामान को बेचेंगे, और जो पेमेंट करेंगे वो चाइना की करेंसी युआन में करेंगे और रशिया की करेंसी रूबल में करेंगे। इसका 95% जो पेमेंट होगा वो युआन में होगा और 5% का जो पेमेंट होगा वो होगा रूबल में। तो ये तो रही दोस्तों इन दोनों देशों की बात। ब्रिक्स कंट्रीज़ में और भी देश हैं, जिसमें कि तीन तो बड़े देश हैं, रसिया चाइना के बाद, जैसे कि इंडिया हो गया, इसके बाद ब्राज़ील हो गया, एक साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के तो स्टार्टिंग के मेंबर हैं, बाद में हालांकि साउथ अफ्रीका आया था, पहले तो चार ही थे, फिर ये जब ये पांच हो गए उसके बाद अभी इसमें छह कंट्री और भी जोड़ दी गई हैं। उसमें भी अगर आप नाम देखेंगे तो इसमें सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, मतलब इथोपिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं आप अगर देखेंगे तो ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं और ऑयल की सप्लाई करते हैं मार्केट में। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि ब्रिक्स बना क्यों था। दरअसल दोस्तों, ब्रिक्स उस वक्त बना था कि वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी थी उनका एक ग्रुप बना दिया गया था, जिसमें इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये देश शामिल थे कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इसलिए। लेकिन दोस्तों, अब एक साथ में दिक्कत और आई, अभी इन्होंने जो छह कंट्रीज ऐड कर दिए, जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इथोपिया है और इजिप्ट है, तो ये दोस्तों वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इकॉनमी वाइज, इनकी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इनको ब्रिक्स का हिस्सा बना दिया गया। दोस्तों, ये ब्रिक्स का हिस्सा इसलिए बना दिए गए क्योंकि ये सभी कंट्रीज़ ऑयल का सप्लाई बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सप्लाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑयल के ऊपर एक कमांड भी रखते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ऑयल वाले देश हैं, एक तरफ ये समझ में आ गई कि इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश है। एक चीज़ और, डॉलर का यहाँ क्या कनेक्शन है, अब दोस्तों वो समझाता हूँ। दरअसल आज के टाइम पे जो सारे कंट्रीज डॉलर पे बिजनेस करते हैं, वो डॉलर पे बिजनेस की करने की शुरुआत दोस्तों ऑयल से ही हुई थी। स्टार्टिंग में जब ऑयल का खरीद और बेच होती थी तो उसकी पैसे जो, मतलब जो पेमेंट करी जाती थी वो डॉलर में ही करी जाती थी। स्टार्टिंग वहीं से हुई है कि सभी लोग डॉलर पे भरोसा करने लगे और डॉलर का यूज़ पड़ गया।
दोस्तों यहां तक भी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। तकलीफ स्टार्ट होती है इसके बाद कि डॉलर पे सबकी डिपेंडेंसी हो गई, सारे कंट्रीज की, सभी एक दूसरे पे बिजनेस कर रहे हैं और जब पेमेंट की बारी आती है तो वो सब डॉलर में पेमेंट मांगते हैं और डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब दोस्तों समस्या यहाँ पर आ जाती है कि यूएस की जब किसी देश से नाराजगी हो जाती है तो वो उस देश के ऊपर एक सैंक्शन लगा देता है, और जब सैंक्शन लगाता है तो दोस्तों इसका मतलब कि वो देश फिर डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता। अब ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए पांच देश हैं, पांच देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, किसी को एक सामान चाहिए तो दूसरा देश बेच देता है, और बेचने के जब बेच रहा है तो उसको फिर बदले में डॉलर मिल जाते हैं। ये तो रही एक चीज़। अब दोस्तों अब ऐसा समझ लीजिए उसी में से किसी एक देश के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया, जब सैंक्शन लग गया तो अब वो देश डॉलर के यूज़ नहीं कर पाएगा, तो अब उसको अगर कोई चीज़ खरीदनी है, किसी सामान को ख़रीदना है तो कैसे खरीदेगा, डॉलर से पेमेंट कर नहीं सकता। कोई चीज़ बेचनी है, जब किसी चीज़ को बेचेगा तो उसको डॉलर मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों बाकी चार देश तो आपस में बिजनेस करेंगे, लेकिन वो जो पांचवा देश है जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं वो ना खरीद पा रहा है ना बेच पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक तरह का हथियार बन गया यूएस के लिए, यूएस जिस देश के ऊपर चाहता है सैंक्शन लगा देता है। तो दोस्तों जब सैंक्शन लगेंगे तो तकलीफ तो होगी, तो जो भी देश होगा दूसरा देश वो इससे बचने की कोशिश करेगा, जैसे अभी रशिया के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शन, चाइना को टेंशन है कि ऐसा ना उसके ऊपर लग जाए। तो अब कोई भी कंट्री हो, अब जैसे इंडिया है, भारत ने रशिया से S-400 खरीदा, लग रहा था कि सैंक्शन लग जाएंगे, लेकिन इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे थे, बातचीत करके बात बन गई, नहीं लगे, लेकिन लग सकते हैं और लग सकते थे। तो इससे कोई तो बचने का तरीका देखेगा ही ना, तो बचने का तरीका सिर्फ ये है कि भाई डॉलर का यूज ही ना करो। डॉलर का जब यूज नहीं होगा तो बनी बात है सैंक्शन लगाते रहो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है जब आपका डॉलर यूज ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी की एक पहल करी गई है ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा कि हम आपस में एक बिजनेस करते हैं जिसके लिए हम पेमेंट लोकल करेंसी में कर लेंगे, वो हमारी यूएन होगी या रसिया का रूबल होगा और वो काम चल जाएगा। इसके लिए समझ लीजिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं यूएसए में राष्ट्रपति पद के लिए, अभी वो ना ही बने हैं ना चुनाव हुए हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं, रिजल्ट आएगा, फिर अगर जीतेंगे तब राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने अभी से बोल दिया, उनके जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बोल दिया कि जो भी कंट्री अपने बिजनेस में डॉलर का यूज़ नहीं करेगी यूएस डॉलर का, तो ये उस कंट्री को पेनलाइज कर देंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ये सोचिए क्या है, दादागिरी तो है कि आप हमारी करेंसी को यूज़ नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और उसमें भी इनका एक कहना है कि जो हम पेनल्टी लगाएंगे सबसे पहले हम टारगेट ब्रिक्स को करेंगे, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर टारगेट करेंगे। दोस्तों दर्द तो होगा ही यूएसए को, टारगेट करेंगे ठीक है कर लो, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि ब्रिक्स कंट्रीज़ अपने आप में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रखती हैं, और जो दुनिया में व्यापार होता है उसका अकेले 40% ब्रिक्स कंट्रीज रखती हैं, वो परसेंटेज अब तो और बढ़ गई है। ये 40% तो उस वक्त थी जब 5 कंट्री हुआ करते थे, अब तो 6 कंट्री इसमें और भी जुड़ गए हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा समूह बन गया है, ग्रुप बन गया है, इसको ईजी वे में नहीं लेना चाहिए, अब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। पॉपुलेशन अगर बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी दो पॉपुलेशन वाली कंट्री, एक इंडिया दूसरा चाइना, ब्रिक्स कंट्री में है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इग्नोर कैसे कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यूएसए को भी सोचना होगा। वैसे दोस्तों ये एक अच्छी पहल है क्योंकि भारत को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, डीडॉलराइजेशन होगा, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जो करेंसी है रुपये, तो रुपया में चीज़ों को बेच पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। अभी कुछ पेमेंट हमने रसिया के साथ रुपए में करी भी है दोस्तों, तो ये भारत के लिए अच्छी चीज़ है। भारत ने इसके ब्रिक्स कंट्री के अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट किए हैं,
करीब 18 कंट्रीज ऐसी हो गई हैं जिनके साथ भारत का रुपए में ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक कि अभी यूएई के साथ हमने एक पेमेंट ऑलरेडी रुपए में कर दी है, तो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत के लिए अच्छी चीज़ है अगर ये हो जाती है डीडॉलराइजेशन, क्योंकि डॉलर के रेट भी जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है वैसे उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब हमें कोई सामान है ख़रीदना है बाहर से, आज हमने उसको ख़रीद लिया, उसकी 1,00,000 डॉलर की कीमत है, सपोज़ आज हमारा 80 रुपये का रेट चल रहा है कन्वर्जन रेट, कि $1 में 80 रुपये होते हैं, तो अगर 1,00,000 डॉलर के सामान है तो 80,00,000 रुपये आज पेमेंट करने होंगे। दोस्तों अगर अगला दिन आया और ये डॉलर का रेट 80 के जगह 81 हो गया, 81, तो यही पेमेंट जो आज हमें 80 लाख करनी पड़ गई अगले दिन वो 81 लाख की करनी पड़ेगी। ये होता है डॉलर का फ्लक्चुएशन, रेट उसके बढ़ गए, डॉलर मजबूत हो गया, रुपए थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो ये नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से भारत को बच जाएगा भारत, दूसरा सैंक्शन से बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रुपए की डिमांड होगी तो हमारा रुपया मजबूत हो रहा होगा, तो पेमेंट हमें रुपए में करने में ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों अब इस पर कोई और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।